आज का ये जो समय चल रहा है, ये चुनाव का समय, ये चुनाव सिर्फ दो लोगों के बीच में है। वो दो लोग कौन हैं? पहला जो केंद्र में बैठे बीजेपी सरकार के लोग हैं वो हैं, और दूसरा जो हमारे सामने में बैठे हमारी जनता जनार्दन है, ये इन दो लोगों के बीच का चुनाव है। ये हमारे झारखंड की जनता के साथ साथ यहाँ पे हिंदुस्तान में जो आवाम है, जो हिंदुस्तान की आवाज है, जो हिंदुस्तान का मूल मंत्र है, हमारे लोग झारखंड के साथ हिंदुस्तान के लोग, ये उसका चुनाव है। ये आम चुनाव आम लोगों का है, ये आपके मुद्दों का चुनाव है, ये आपके हक अधिकार का चुनाव है, ये आपके संविधान को बचाने का चुनाव है, ये आपके अपने लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। क्योंकि ये चुनाव में बीजेपी वाले मुद्दों की बात नहीं करते, ये यहाँ पे दूसरे जितनी फालतू चीजें होती हैं उन लोगों की बात करते हैं। लेकिन मेरा ये आप लोगों से आग्रह होगा कि आपके जो अपने ज्वलंत मुद्दे हैं, आपके जो रोज मर्रा की जरूरत है, वो मुद्दों पर मैं बात होनी चाहिए। और इन मुद्दों पर बात करने के लिए हम भी यहाँ से, और हमारे प्रत्याशी जो है कोडरमा के वो भी, और इंडिया गठबंधन के झारखंड में 14 के 14 प्रत्याशी जो हैं वो मुद्दों की बात कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन मुद्दों की बात कर रहा है, और ये मुद्दे आपसे जुड़े हुए हैं, आपके सपनों से जुड़े हुए हैं, आपके बच्चों की छात्रवृत्ति से जुड़े हुए हैं, आप लोगों के आगे बढ़ने के अवसर से जुड़े हुए हैं, महिलाओं के संरक्षण के से जुड़े हुए हैं। और हमारे झारखंड की जितनी योजनाएं हेमंत सोरेन जी के द्वारा चलाई जा रही है, उससे जुड़े हुए हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ 3 मुद्दों पे आपसे बात करना चाहती हूँ, और 3 मुद्दों की अपील भी आप लोगों से कहना चाहती हूँ। पहला, हेमंत सरकार, हेमंत सोरेन जी के द्वारा जो सरकार चलाई जा रही थी, हमारे 4 साल बनाम 20 साल, 20 साल झारखंड के, वो 20 साल जहां सबसे ज्यादा राज किया है भाजपा के लोगों ने। तो आपको मैं ये बताना चाहूंगी कि एक तरफ में जहां केंद्र के लोग हमारा झारखंड का, लोगों का हरा राशन काटने का काम करते हैं, वहां पर में 11 लाख लोगों का राशन कार्ड कैंसल किया गया, डिलीट किया गया, वहीं आपके हेमंत दादा ने 20 लाख लोगों को अपना राशन कार्ड दिया। जहां आपके अबुआ आवास के लिए आपके केंद्र सरकार ने हमारे 8 लोगों के अबुआ आवास का पैसा दूसरे राज्य शासों में, जहां भाजपा की सरकार चलती है वहां दिया, वहां आपके हेमंत सोरेन ने 20 लाख लोगों को अबुआ आवास से जोड़ने का काम किया। पेंशन की बात अगर हम करें तो पेंशन में जहां हमें वहां पे 250 रुपए प्रति दिन, प्रति महीना दिया जाता है, हेमंत सोरेन जी ने 1000 रुपए देने का आपको वादा किया। आपके वहां पे केंद्र सरकार ने झारखंड में डबल इंजन की जब सरकार थी, 7000 स्कूलों को बंद करने का काम किया, हेमंत सोरेन जी ने यहां पर में झारखंड में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोलने का काम किया। जहां आपके केंद्र सरकार ने मनरेगा के मजदूरों का पैसा, करोड़ों हजारों करोड़ों पैसा बंद करने का काम किया, दबाने का काम किया, हेमंत सोरेन जी ने बिरसा हरित ग्राम, बिरसा के मुख्यमंत्री पशुधन योजना, बिरसा आपके योजनाओं को, जितनी हमारी कृषि भूमि से जुड़ी है उन सारी योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। और हमारे यहाँ पर में अगर मैं आपको गिनती कराने के लिए जाऊं तो यहाँ झारखंड के लोगों को केंद्र सरकार ने हमेशा पहले की तरह भी 20 साल में भी यहाँ के किसी आवास को इतना मुकम्मल करने का, मजबूती देने का किसी ने भी प्रोत्साहित नहीं किया, ना बीजेपी के अपने नेता को, ना बीजेपी के अपने सांसदों को। लेकिन ये 4 साल की सरकार हेमंत सोरेन जी के द्वारा जो चलाई जा रही थी, ये सिर्फ आप लोगों के बारे में काम करने के लिए सोच रहे थे। और दूसरी बात, जब चुनाव से ठीक पहले जनादेश से चुना हुआ, हमारे आप लोगों के द्वारा चुना हुआ मुख्यमंत्री आप लोगों ने बैठाया, अपने बीच का, अपना यहाँ झारखंड का माटी का बेटा को बैठाया, मुख्यमंत्री जी को बनाया, उनको मुख्यमंत्री बनाया, तो उसके बाद इन लोगों को बहुत तकलीफ होने लगी
केंद्र में पिछले 10 सालों से इन्होंने जो वादा किया, करोड़ों की नौकरी देंगे, यहाँ पे रोजगार पहुंचाएंगे पूरे हिंदुस्तान में, 15 लाख आपके खाते में आएंगे, किसानों की आय वृद्धि होगी, लेकिन वो वादा पूरा नहीं किए और फिर भी हिंदुस्तान की जनता ने उनको 10 साल तक अपनी सेवा करने का मौका भी दिया। लेकिन हेमंत जी ने पिछले सिर्फ 4 साल में वो करके दिखाया है, वो लंबी लकीर खींच करके दिखाई है जो यहाँ पर मैं हिंदुस्तान में और किसी ने भी नहीं किया है। 4 साल के इस गठबंधन की सरकार ने जहाँ हर एक समाज, हर एक वर्ग, हर एक व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका दिया है, हर एक व्यक्ति को स्वावलंबी बनने का मौका दिया है, हर एक अपने हक अधिकार के लड़ने के लिए मजबूती देने का यहाँ पे काम किया है, हेमंत सोरेन जी ने अपनी महिलाओं, अपनी बहनों, अपनी छोटी बेटियों को आगे बढ़ने का काम दिया है, ये आप लोगों को समझना होगा। ये चुनाव जो चल रहा है ये आपके मुद्दों को इंडिया गठबंधन आगे लेकर के चल रहा है और इंडिया गठबंधन के जितने भी प्रत्याशी यहाँ पे खड़े हैं वो आपकी आवाज है और ये चुनाव बीजेपी वर्सेस जनता का चुनाव है, ये आपके साथ का चुनाव है और आपको मजबूती देना है। तो मेरा सवाल सिर्फ आप लोगों से इतना रहेगा, इंडिया गठबंधन के जितने भी प्रत्याशी है यहाँ पर में, चाहे बेंगाबाद में हो, गांडे में हो, मेरे बारे में हो या विनोद सिंह जी के बारे में हो, क्या आप साथ देने के लिए खड़े हैं? क्या आप साथ देने के लिए खड़े हैं? आप अपना वोट, अपना मतदान इंडिया गठबंधन के समर्थन में देने के लिए खड़े हैं? मेरी माताएं, बहनें अपने दोनों हाथ उठा करके हमें काली बता दीजिए, इशारा कर दीजिए।